नोएडा सेक्टर 51 के क्लाउड 9 अस्पताल की दो डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दोनों डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से जन्म के बाद नवजात की मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि अंकित गर्ग ने थाना सेक्टर 49 में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि कल रात उनकी पत्नी श्वेता कश्यप को प्रसव के लिए सेक्टर 51 स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि उनकी पत्नी के प्रसव के दौरान वहां की दो डॉक्टरों ने लापरवाही बरती। आरोप है कि जन्म के बाद बच्चे की तबीयत खराब हो गई। पीड़ित के अनुसार उसने कई बार फोन करके इनमें से एक डॉक्टर को अस्पताल में आने के लिए कहा, लेकिन वह अपने घर से अस्पताल नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उनके बच्चे के उपचार में विलंब हुआ तथा उसकी मौत हो गई। ये केस चल रहा है नेगलिजेंस का, जिसमें ऑलरेडी इन्होंने 17 लाख का कॉम्पनसेशन दिया हुआ है। आई डोंट अंडरस्टैंड क्लाउड 9 ऐसे अस्पताल में ऐसे डॉक्टर को कैसे रख सकता है, जिसके ऊपर ऑलरेडी ये क्रिमिनल केस चल रहा है। हमारे जैसे डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए और अस्पताल बंद हो जाना चाहिए।